रिलेशनशिप बनाना है, आपने अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप बनाना है, तो आपको क्या जरूरत है? देखिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने उनको प्रेरित किया। उन्होंने लास्ट में कहा था जूझना, इमोशन से के साथ जूझना और स्ट्रेस के साथ, तनाव के साथ जूझना, ये दोनों हमारी कोपिंग स्किल्स है। अभी एग्जाम आने वाले हैं, आप सब 10th 12th में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, तो क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन स्ट्रेस होगा और इमोशंस भी होंगे कि हाई में फर्स्ट आना है, कुछ नहीं आया तो ये होगा, तो इन सबको जूझने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्किल्स के लिए कुशलताएं चाहिए, और इसीलिए हमने उनको ऐसे प्रेरित किए। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स भी ये जानना चाहते हैं कि क्या है एम्पथी, एम्पथी का मतलब क्या होता है। एम्पथी का हिंदी ट्रांसलेशन है सहानुभूति, और इसका तीनों का मतलब है अगर मैं अपने आप को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रख सकूं, खुद योर सेल्फ इन अनदर पर्सन शूज, और समझ सकूं कि वो असुविधा महसूस कर रहा है और उस हिसाब से मैं काम करूं, ये होती है एम्पथी। सिंपथी भी ऐसा ही एक वर्ड है जो होती है सहानुभूति, एक है सहानुभूति और दूसरी है सहानुभूति। सहानुभूति में क्या होता है, आप दूसरे जगह पर कुछ दया कर रहे हैं, यानी कि आप थोड़े ऊंचे हो जाते हैं और वो जगह थोड़ा आपसे नीचे है, लेकिन सहानुभूति बराबर। क्यों बताएं कि घर में लोग बोलते हैं कि तुम लोग बाहर मत जाओ, रात को बाहर मत जाओ, देर से बाहर मत जाओ, लड़के होंगे ये होगा, हर घर में ये प्रॉब्लम है। घर में बात की कोई लड़कों को ये नहीं समझाता होगा यू शुड नॉट डू दैट, वाइज कि गर्ल शुड नॉट डू अनदर थिंग, कि इवन मेरे घर में आता है, मेरी माँ कभी कभी मुझे बोलती है कि तुम लोग ये करते हो, यू डू मेकअप, यू डू यू गो फ्रो पैक्सिंग एंड थिंग्स। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, मैंने पूरी लाइफ मेरी बीत गई, पर मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, मैं आज तक कभी घर से नहीं निकली थी, पहले तो जनरेशन भी आ गई है, मैं कौन से मैं आज तक इतनी बड़ी हो गई, मैं कभी किसी शादी में नहीं गई थी, रिलेशन में नहीं गई थी, तो लोग सारा दिन घूमते रहते हो फ्रेंड्स के साथ, उनको मैं सकता सकते हैं क्या, उसके पीछे रीजन सही है, विश्लेषण करना है जीवन कुछ होता है, बहुत मदद करें। यदि वापिस का सवाल करूंगा, मेरे पेरेंट्स होते हैं क्यों बात के ख्याल में पेरेंट्स ऐसा करते हैं, लड़कियों को कहते हैं देर समय तक बाहर न जाए, रोम करो और मुझसे पूछा शायद इसलिए क्योंकि उनके मन में डर है कि कुछ गलत ना हो, बट यही चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये लड़कियों के लिए डर क्यों है, क्यों ऐसा नहीं है कि लड़कों को कोई ऐसी रोक लगाता, ऐसा कर सकते बाकी सब कुछ भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और क्यों लड़का ऐसा करते हैं और क्या ऐसा करते हैं, सही है क्या लड़कों का प्रशिक्षण नहीं है, चलो लड़के से पूछते हैं लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है, और क्या लड़कों का जैसे सर कह रहे हैं कि हमारे को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे पे भी रिस्ट्रिक्शन है, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि तुम इतने से इतने बजे तक घर पे होने चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है छुट्टी की हमारे को रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, या हमें लेट आउट कहते हैं, लेट आउट जाना होता है हमारे माँ बाप में। अच्छा लेकिन आप ये बताओ कि लड़के क्यों पर रिस्ट्रिक्शन क्यों, जब लड़की घर पे है तो उनके पेरेंट्स थोड़ा तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, समझ जाए मुझे आप एम्पावरमेंट कैसे मिलेगी, और ये लेना
इंडिपेंडेंस को लेकर बातें होती नहीं मुझे पता लगा। दूसरा मैं किस लिए जाना चाहती हूँ, क्या ये पार्टी शांति से मिले खत्म हो सकती है, जरूरी है 8 बजे शुरू होकर रात के 1 बजे तक चले, ऐसा क्या रीजन है कि पार्टी सभी मिल रहे थे कि नहीं तो सही मजा आएगा। स्वास्थ्य पार्टी ऐसे समय पर जा सकते हैं जब हम सिर्फ रहे, तो अगेन क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग आ गई। कम्युनिकेशन हो गया कि पापा का 1 महीने के बाद एक बर्थडे आ रहा है, मेरे फ्रेंड हो रहे हैं, वहां जरूर जाना है, मैं सब कुछ करूंगी, पहले डेट नहीं रखेगा, आप लेके जाने, तो पापा ऐसा नहीं था उनको जाना है। कम्युनिकेशन आ गया, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन होंगे, पापा को मालूम नहीं है बाकी सही है क्या। तो इस तरह से जब यदि हम पूरे अपने जीवन कुशलताओं का उपयोग करते रहे तो ऐसी सारी परेशानियों का यदि पूरा हम नहीं ढूंढ पाए कई कई दूरी तक हल हो पाएंगे। जैसे भी कम है नजदीक आ रहे हैं और फिर हमारे ऊपर बस एकदम फोर्स करते थे हमेशा पढ़ने के लिए, जब भी मतलब कोई याद नहीं देते किसी में ना टीवी देखने का, मतलब हमेशा चाहते थे पढ़ते रहे, किताब खोल के बस पढ़ते रहे, कुछ ना करें, यही प्रॉब्लम बस। यहाँ पर फिर एक बार आपसे कहूंगी, अगर आपका बच्चा इधर मेरा हो तो आप क्या करेंगे, तो हमें हमेशा फोर्स ही करना पड़ेगा, जो उसका मन का है तभी वो कर सकता है। आप ये अभी समझ रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे, अगर आप माँ बाप के नजरिए से देखेंगे तो माँ बाप को लगता है कि ये बच्चा पढ़ लेगा, माँ बाप क्यों आपसे पढ़ने को कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है। आजकल की जो दुनिया है यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा सब कुछ चलता है, आपको पता है आगे आपका करियर जो है वो इस रिजल्ट पर डिपेंड करता है, अगर ये रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो आगे क्या होगा, वो फिर उनकी संस्कार है। इसलिए फिर यहाँ पर जो बात आती है इंटरपर्सनल रिलेशन या अंतर्वैक्तिक संबंध, आप किस तरह से उनको समझाएं कि मैं पढ़ती हूँ मुझे थोड़ा टाइम बीच में चाहिए, हरेक को चाहिए, ये हम सब समझते हैं, जो थोड़ा भी समझने लगता है वो जानता है कि एक साथ लगातार पढ़ाई नहीं की जा सकती, बीच में ब्रेक चाहिए। तो आपको ये बात उनको अच्छी तरह से अगर आपका संवाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो आप ये बात उन्हें समझा सकते हैं और दिखाइए अपना एक टाइम टेबल बना के। मैं पूछना चाहूंगा मेरे कलर को लेकर हमेशा डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो इसके लिए मेरे को किस कलर पे ध्यान देना होगा, क्या है इसका, उन्होंने पूछना चाहूंगा। आपकी मन में मेरे साथ लोग डिफ्रेंशिएट करते थे कि स्पेक्स लगाता हूँ, पतला हूँ, शायद मेरे दोनों जो डॉक्टर फ्रेंड्स बैठी हैं उनके साथ जैसे कुछ हो, मेरे ख्याल है मैं ये सस्पेशन हूँ कि मैं सब पैसों के साथ किसी न किसी चीज दे सकता हूँ, या मेरी दुनिया जो है वो मैं कभी कभी होती रहती है, उसे को लोड ऑफ करने की कोशिश नजर से देखती है, हमारे पास दक्षता होनी चाहिए। इसके जवाब रहेगा सारे 10 के 10 टिप्स में आपको जाहिर होगा, आपके स्वयं की पहचान होनी चाहिए, कलर रोजगार भी पाएंगे। हमें सबसे पहले मैं भारतीय हूँ ये हमारी प्रोफेक्शन है, नहीं तो उसके सारा स्टेडियम में आकर देखते हैं क्रिकेट के कितने क्लेश लगाते हैं, क्यों अगर यहाँ 10 दिन भी रहेंगे तो स्किन कैंसर हो जाएगा, उनकी चमड़ी से नहीं ले पाती, तो इसे तो प्रोटेक्शन की वजह से। दूसरी बात मेरे में दक्षताएं, मैं अच्छा खाता हूँ, गिटार खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, स्वयं की पहचान है, सिर्फ क्रिकेट नहीं है। क्या आपके जो मित्र बैठे हैं वो आप इसे पसंद करते हैं कि आपका कॉम्पेक्शन ऐसा है, या आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज देखते हैं, आपका प्रेम देखते हैं, आपकी दोस्ती देखते हैं, आपकी लॉयल्टी देखते हैं, मुझे हम कह रहे हैं। जैसे ही सारी कुशलताएं इस्तेमाल करेंगे आप प्राप्त हो जाएगा, मैं कहूंगा उनके हिस्से में पढ़ा, तो जो 10 जीवन कुशलता है शायद एक रिपीट कर लिया है, स्वयं की पहचान समाधान।